उधर आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों की आज महापंचायत होगी और 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजे की मांग के साथ साथ आबादी निस्तारण की मांग पर भी किसान अड़े हुए हैं। नोएडा में प्रशासन ने इस वजह से धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सी सड़कों पर ट्रैफिक लग रहा है। सोनिया विहार और डीएनडी की सड़कों पर ट्रैफिक लग रहा है। गाजीपुर सभापुर अप्सरा बॉर्डर पर ट्रैफिक लग रहा है। लोनी बॉर्डर से जुड़ी सड़कों पर भी ट्रैफिक जैसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो देखिए किसान आज दिल्ली कूच करेंगे और ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत होगी, उसके बाद दिल्ली की ओर उनका रुख होगा। उनकी कुछ मांगे हैं अपनी, उन मांगों पर अड़े हुए हैं किसान, जिस वजह से देखिए दिल्ली कूच की तैयारी है और नोएडा प्रशासन ने इसी कारणवश धारा 144 लागू की हुई है। प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है और लगातार चेकिंग भी की जा रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। स्पेशली जो नोएडा दिल्ली के बॉर्डर्स पर गाड़ियां आर पार हो रही हैं उनको चेक किया जा रहा है। ये कुछ रूट्स है जिसकी हम अपडेट आपको देते हैं, जहां जहां पर ट्रैफिक आपको मिल सकता है। सोनिया विहार डीएनडी की सड़कों पर ट्रैफिक मिल सकता है। गाजीपुर सभापुर अप्सरा बॉर्डर पर ट्रैफिक मिल सकता है। लोनी बॉर्डर से जुड़ी सड़कों पर भी ट्रैफिक मिल सकता है। पुलिस की तरफ से देखिए क्या कुछ बताया गया है। दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत किसानों को फिलहाल नहीं है, सुरक्षा को लेकर इस वजह से कड़ी व्यवस्था की गई है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। लेकिन दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। इस वजह से नोएडा प्रशासन ने भी धारा 144 लागू कर रखी है। और ज्यादा जानकारी के साथ विजय कुमार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्टेड है। विजय, दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की, कब तक दिल्ली की ओर निकल जाएंगे किसान और किस तरह के प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है? ठीक, कल गिटाना चौधरी के बाहर 105 गांव के किसानों ने महापंचायत की। महापंचायत के बाद उन्होंने अहम एक फैसला लिया, कल दिल्ली कूच करेंगे। लगातार किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, उसको लेकर लगातार किसान अपने अपने नोएडा चौकी हुआ, एनटीपीसी दफ्तर हुआ, दक्षिण नोएडा, वहां पर लगातार आज 50 दिन से अधिक किसान अपनी मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे इनको जानकारी मिली कल किसान दिल्ली कूच करेंगे, तो नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी है कि जो अचिल्ला से जो परिचोक जाने वाला रास्ता है उसको पूरा तरीके से साफ कर दिया गया है, ताकि जब किसान वहां से आएंगे उनको किसी तरह की समस्या ना हो। और कह सकते हैं जो किसके लोग हैं जिनको नोएडा तक जाना हो या नोएडा सेक्टर 8 10 तक जाना हो, तो सभी इन मार्गों को बंद किया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि आज जो किसान है वो दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान अपनी मांगों को लेकर। आपके पीछे जो लोग खड़े हैं क्या विजय वो किसान ही हैं? उनसे जरा बातचीत करने की आप कोशिश करिएगा कि अपनी किन मांगों के तहत पहुंच रहे हैं। दफ्तर के बाहर जो बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे 50 दिन से अधिक किसान बैठे थे। ऐसा आप लोग क्या मांगे, आज की नीति क्या है? हमारी जो मांगे हैं सम्मान योजना, सम्मान मुआवजा है, जो जायज बाई नहीं थी हमारी, डीएम साहब ने इस पर साइन नहीं कर दिए थे, लेकिन मना कर दिया। उसके बावजूद हमने यहाँ धंधा दिया, 2 महीने यहाँ बैठे हुए हो गए, हमारे माफ करने की दीवार होकर लेके जाते होते हैं, कोई है ना कोई एंट्रेंस की सुविधा है। यहाँ भी पिछले दिन का तार साइड आ गया है कि मतलब लोगों को बिल्कुल देखने वाला कोई है नहीं। आज हमारा काम है दिल्ली जाने का, दिल्ली हम कुछ करेंगे, संतग्राम में करना है तो करना है, कुछ भी हो हम अपनी सारी मांगे पूरी करके रहेंगे, मरेंगे जिएंगे, लेकिन काम तो। विजय जरा उनसे पूछिए कि प्रदर्शन की उनको परमिशन नहीं है दिल्ली में, तो उनकी रणनीति क्या रहेगी इसके तहत आगे? अब हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है विजय? जी हाँ, जिस तरीके से आपने देखा किस तरह जो किसान बात किसानों का कहना है कि आज हम दिल्ली कूच करेंगे और 12 बजे महामाया फ्लाई ओवर के पास एनटीपीसी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो बैठे किसान है, जो नोएडा पर बैठे किसान है, वो सभी एक जगह इकट्ठा होते उसके पास से दिल्ली कूच करेंगे। यानी 12 बजे का समय दिया गया, 12 बजे महामाया फ्लाई ओवर के पास सभी किसान 105 गांव के किसान वहां पे घंटे के घंटे होने के पास से भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है अभी किसानों को, तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी इनके आगे? अगर आप उनसे बातचीत कर पाए तो उनसे जरा पूछिए। बताओ
जैसे आप लोग आज आज दिल्ली जा रहे हैं, अगर आज दिल्ली आप लोग नहीं जा रही वहाँ पे कैसे आप दिल्ली जाएंगे आज, मतलब किसी भी हालत में हम दिल्ली पहुंचेंगे जरूर, चाहे विपक्ष हो कुछ भी हो, क्या पैदल ही जाना पड़ो, क्या पैदल ही जाना पड़ो, तो है आगे ऐसी बात नहीं है। और जब हम यहाँ चार महीने दादरी में पड़े रहे, एनटीपीसी में मेन गेट में पड़े रहे, जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, वार्ता ही वार्ता चल रही है, यहाँ भी डीएम साहब के यहाँ भी वार्ता हुई, उनकी अध्यक्षता में पास हुआ, डीएम साहब ने पास करा, इनका वाजिब है, एनटीपीसी नहीं मानी, तो हमारी मजबूरी है कि हम जो है दिल्ली चाहे हमें झूठी कुर्बानी देनी हो हम देंगे, और अपने हक की लड़ाई मान और लड़ाई करें, चाहे जो भी हमें चाहे झूठी में देना चाहे साफ चाहे जो भी करें, लेकिन वो चाहे किसानों ने कहना है कि चार महीने से एनटीपीसी दादरी पे थे और आप 50 दिन से अधिक नोएडा एनटीपीसी दफ्तर के बाहर थे, आज किसी भी हालत में दिल्ली जाकर रहेंगे, यानी कि इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। कैसे किसानों का कहना है या किसान चाहे दिल्ली में कुछ करेंगे कहीं कुछ नहीं होगा, पर आज हम दिल्ली जाके ही रहेंगे, किसानों का कहना है। एडवाइजरीज भी जारी की गई है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, वो भी जरा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को विजय, क्या एडवाइजरी नोएडा पुलिस ने जारी की है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर जो व्यक्ति दिल्ली से अगर उसे महामाया फ्लाईओवर या उसको एक्सप्रेसवे पर जाना हो तो वो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे में जाने वाले लोगों को आज समस्या आ सकती है। वहीं सेक्टर 11 से जो हरोला होते हुए नए पास होते हैं तो वो जाना चाह रहे हैं, तो वो रास्ता भी आज किसानों को देखते हुए आज किसानों आज दिल्ली कूच करके वो रास्ता ही बंद कर दिया गया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में जो अथॉरिटी है उसके बाहर जो कमर्शियल बेल्ट वाला जो एरिया है उस रास्ते को प्रतिबंध कर दिया गया, यानी कह सकते हैं कि नोएडा में ऐसे कई मार्ग हैं जो किसानों को देखते हुए उन सभी मार्गों को बंद किया है, ताकि किसान की जो रहती है दिल्ली जाने में किसी को समस्या ना आए, पर किसानों का ये कहना है कि आज हम दिल्ली जाके ही रहेंगे। और वहीं दिल्ली पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेड कर दिए, दिल्ली को कहना है कि अब हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, ऐसा मैं देखना होगा कि किसान दिल्ली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ठीक है विजय, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए किसानों ने तो दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको कोई रोक नहीं सकता है, हालांकि धारा 144 जो है वो नोएडा में जारी की गई है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली में प्रदर्शन करने की किसानों को इजाजत नहीं है, पर अपनी तमाम मांगों के साथ जो किसान है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं।